तो आज हम अपना जनवरी महीना का पीएल स्टेटमेंट शो करने वाले हैं कि मेरे को ऑप्शन सेलिंग से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कंसिस्टेंसी है भी या नहीं है। तो मेरा ये वाला प्रॉफिट तो आ गया 6,000 के आसपास में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना पीएल स्टेटमेंट शो कर रहे हैं। तो मैं जनवरी मंथ में अगर देखेंगे तो लगभग सब ही प्रॉफिट में है, सिर्फ एक लॉस में है। तो यहाँ अगर देखते हैं तो ये मेरे को 8,000 का प्रॉफिट दिया, फिर ये मेरे को 4,000 का प्रॉफिट, फिर इस दिन मेरे को 6,000 का प्रॉफिट, फिर इस दिन 2,000 का प्रॉफिट, फिर इस दिन 1,600 का प्रॉफिट, फिर इस दिन 14,000 का, फिर इस दिन 18,000 का। ओवरऑल हर दिन ग्रीन में क्लोज हो रहा है। इवन ये मेरा छोटा अकाउंट है, इसको हम 1.5 लाख का कैपिटल से यूज़ कर रहे हैं, और इसका भी हम एक बार पीएल स्टेटमेंट चेक करते हैं कि क्या देखने को मिलता है। तो पीएल स्टेटमेंट हम यहाँ पे जा रहे हैं, इक्विटी से हम इसको करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इसका डेट सेट करते हैं हम 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 1 जनवरी से स्टार्ट करने के बाद ऑल टोटल मेरे को प्रॉफिट इस महीना में कितना हुआ, मतलब अभी जनवरी महीने स्टार्ट ही हुआ है, 5,680, मतलब 5,680 रुपीज़ तक का मेरे को प्रॉफिट हुआ है। इवन यहाँ पे देखेंगे तो ये सारा क्वांटिटीज़ है, कहाँ कहाँ मेरे को प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। तो 1,300 का प्रॉफिट, 800 का प्रॉफिट, 1,400 का लॉस, 400 का प्रॉफिट, 500 का लॉस, 1,000, 1,900 का प्रॉफिट, 1,700, 1,250, फिर 1,400 का लॉस। फिर इस तरीके से देखा जाए तो ओवरऑल काट पीट के मेरा फिर भी अभी तक मैं 5,000, मतलब 500 रुपीज़, 5,000 तक का इसमें प्रॉफिट हुआ है। और इसमें हम हिसाब नहीं, एक एस्टिमेट दे रहे हैं कि जो हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उसमें लॉसेस कंटिन्यू लगा रहता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या है ना, ज़्यादातर आप देखिए कि प्रॉफिट में ही निकल रहे हैं। तो ऑप्शन सेलिंग ना ऑप्शन बाइंग के मुकाबले बहुत ज़्यादा सेफ है, बहुत सिक्योर है, तो इसलिए हम ऑप्शन सेलिंग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो 2023 से मेरा ऑप्शन सेलिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ है। देखते हैं कि 2023 में ये जर्नी कहाँ तक जाता है, हम इस कैपिटल को कितना बना पाते हैं। थैंक यू।